हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, या फिर हिंदी में इसे कह सकते हैं, इसका एक और नाम है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम। जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, विद्यालयी शिक्षा की तैयारी या फिर विद्यालय जाने के लिए या विद्यालय में एंट्री के लिए तैयारी, उससे पहले की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल के लिए तैयार करने की बात की जा रही है, तो ये एक्चुअल में है क्या, देखते हैं। चलिए, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया विद्यालय शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जो ये एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, 3 से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। तो 3 to 6, जो आप देखेंगे आजकल तो 3 to 6 वाले बच्चे प्ले स्कूल्स में जाने लगते हैं, और वहाँ पे प्ले स्कूल में उनको क्या कराया जाता है, उनको स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, तो पर वहाँ पे फीस लगती है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो प्ले स्कूल ही समझ सकते हैं इसको, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको स्कूल के लिए तैयार करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए तैयार करना या विद्यालय के लिए तैयार करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। 6 से 8 सप्ताह तक बच्चों को स्कूल में वो जाते हैं और वो ट्रेनिंग गेन करते हैं, जो भी सिखाया जाता है वहाँ पे, जो कि आगे चल के जब वो स्कूल ज्वाइन करेंगे, एक्चुअल स्कूल, वहाँ पर उनको वो उपयोग में आता है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। जैसे नॉर्मली बच्चे UKG LKG में जाते हैं, अगर बच्चा ये सब जगह नहीं जा पा रहा है, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है, कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है, तो ऐसे बच्चों को पता नहीं है कि, मतलब उनको हैबिट नहीं होती कि इतने देर तक स्कूल में बैठना है, टीचर की बात सुननी है, बच्चों से कैसे बात करना है, खेल कूद में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कोई और प्रोग्राम है तो उसमें कैसे करना है, इतने घंटे तक किसी को सुनना, ये सब उनको हैबिट नहीं होती अगर उसे डायरेक्ट क्लास फर्स्ट में आप एडमिशन देते। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो बेसिक मैंने अभी चीज़ें बताई, जिनकी हैबिट उन्हें नहीं रहती, वो हैबिट दिलवाने के लिए या वो चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तथा उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है। या तो बच्चा मतलब क्लास फर्स्ट में सीधे एडमिशन ले रहा है, या उसके पास कोई भी प्री प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं या प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में डाला जाता है। तो इसी कारण इसे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई वो स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल में नहीं गया है, फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गया, तो ऐसे बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए तैयार किया जाता है कक्षा 1 में या फिर औपचारिक शिक्षा के लिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से तैयार किया जाता है। तो ये जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है उसके ज़रिए बच्चों को शारीरिक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, मतलब आपको बच्चे को 2 घंटा 3 घंटा स्कूल में बैठना पड़ेगा, या उससे भी ज़्यादा, ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा घंटे बच्चे को, अगर फर्स्ट क्लास में उसने एडमिशन लिया है तो उसे बैठना है, तो शारीरिक रूप से उसे तैयार होना है। तो वो कैसे तैयार होगा, जब वो पहले से स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में गया है तो उन बच्चों को बैठने की आदत पड़ जाएगी कि इतने घंटे यहीं पर बैठना है, उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, जो भी है, तो शारीरिक रूप से बच्चा तैयार हो जाए। मानसिक रूप से हमें सामने वाले को सुनना है, चीज़ें सीखनी है, वो बोलेंगे जो करना है, तो मानसिक रूप से बच्चा तैयार होता है। सामाजिक रूप से जो
अनजान बच्चे हैं, उन्हें फ्रेंड्स बनाना, उनसे बात करना, और कैसे एक ग्रुप में अच्छे से वेल बिहेव रहना है। तो सामाजिकता भी बच्चा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में सीखता है, तथा संवेगात्मक रूप से तैयार करना। इतने दूर तो मतलब इतने समय तक, इतने घंटों तक मम्मी पापा से दूर रहना या घर से दूर रहना, तो एक मेंटल या इमोशनल लेवल बच्चे का सेट करना कि स्कूल में ऐसे ही होता है, आपको पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है। इससे पहले बच्चा कभी इतने देर पेरेंट्स से दूर नहीं रहा है, घर से दूर नहीं रहा है, और अनजान लोगों के पास जाना है और अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, चीज़ें सीखनी है, उठना बैठना, लोगों को सुनना, उनकी आज्ञा का पालन करना, जैसे टीचर जो भी कहेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन देगी, हमें उन्हें फॉलो करना है। ये सब कब सीखता है बच्चा? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में सीखता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से तैयार किया जाता है बच्चा, जिससे वे कक्षा एक के विषय को आसानी से सीख व समझ सके। जो क्लास फर्स्ट में जो बुक्स होती हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं, विषय होते हैं, वो आराम से बच्चा सीख तभी पाएगा जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से तैयार होगा। तो ये तैयारी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए, कार्यक्रम के ज़रिए करवा दी जाती है, और उसकी वजह से जब बच्चा कक्षा एक में डायरेक्ट एडमिशन लेता है, वो आसानी से कक्षा एक के विषय को सीख जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में समझ लो, जैसे कि यहाँ पे जो पेड होते हैं, पेड जहाँ पैसे दे के बच्चे, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे वहाँ पर उनका एडमिशन किया जाता है, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल कहा जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट के ज़रिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए। आंगनबाड़ी केंद्र में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये अनऑफिशियल होता है और अनौपचारिक शिक्षा इसमें दी जाती है, फॉर्मल नहीं रहती, फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। और बच्चे को इसके, जब वो आंगनबाड़ी में 3 साल उसके बीत जाते हैं, वो चीज़ें सीख जाता है, उठना बैठना, समझना, सुनना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक एक्टिविटी है बच्चे को आ जाती है, तब उसे क्लास फर्स्ट में एडमिशन दे दिया जाता है। तथा इन्हें स्वयं समायोजित करने में कठिनाई नहीं होती, मतलब एडजस्ट करना क्लासरूम एटमॉस्फेयर में, पेरेंट्स से दूर जाना, किसी अनजान व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जिसे हम टीचर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे माहौल में एडजस्ट करना, समायोजन करना, ये बहुत कठिन होता है। पर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की वजह से उसको ये सारी चीज़ में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो 3 साल आंगनबाड़ी में रहा है, चीज़ें उसने सीखी है, यही सारा काम उसने किया है, तो वो अपने आप को जल्दी से समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है क्लास फर्स्ट में। समय से जाना आना, देखो अब आंगनबाड़ी में क्या चीज़ें दिखाई देती है, टाइम फॉलो करना, टाइम पे आपको आना है, टाइम पे घर जाना है, बैठना है वहाँ पर काफ़ी देर के लिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करना, वहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, तो वो आपको एक्टिविटी करनी है, क्रियाकलाप करना है, चीज़ों को सीखना है, साथियों के साथ खेलना, जो नए बच्चे हैं या अनजान बच्चे हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनसे फ्रेंडशिप कैसे करनी है, उनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज़, खेल जो होते हैं वो कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे, जैसे शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको आंगनबाड़ी में या फिर कह लो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में सिखाई जाती है। तथा व्यवहार करना, बिहेवियर आपका, अब घर पे बच्चा, घर पे जब रहता है तो वो मैं बहुत करता है, उसे दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है, पेरेंट्स
पूरे टाइम उसके आसपास रहते हैं, तो ऑफ कोर्स घर पे बच्चे का व्यवहार अलग होता है, बाहर आने के बाद क्लासरूम में अलग व्यवहार उसे करना है, मैं नहीं करना है, वहाँ पे और भी बच्चे हैं, अच्छे से बैठना, टीचर की बात सुनना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फ्रेंड्स से अच्छे से रहना घुल मिल के, ये सारे व्यवहार के जो तरीके हैं वो बच्चा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए सीखता है। तो ऐसी ही चीज़ें उद्देश्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे को क्या सिखाना, समय से आना जाना, बैठना, या फिर टीचर को सुनना भी उसमें ऐड कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में पार्ट लेना, साथियों के साथ खेलना, कैसा व्यवहार करना है, आप कह सकते हैं एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, श्रवण कौशल में सुधार करना, चीज़ें आपको सुननी है इंस्ट्रक्शन टीचर्स की और फिर काम करना है, या फिर कह सकते हैं बालक में ध्यान केंद्रित करने के गुण भी विकास किए जाते हैं। जब बच्चा घर पे रहता है तो ठीक है, मम्मी ने कुछ बोला सुना, मन किया किया, नहीं किया नहीं करता बच्चा, बट जब स्कूल में आते हैं तो बच्चे को टीचर की बात सुननी ही है, वो जो काम कह रहे हैं वो करना ही है, तो ये सब चीज़ों का विकास हो पाता है कहाँ पर, जब स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से बच्चा जुड़ता है, बच्चों को एक औपचारिक परिवेश मिलता है, इससे पहले कभी उसे एक औपचारिक परिवेश नहीं मिला होता है, और जो कि आगे चल के उसे ऐसे ही परिवेश मिलेगा कक्षा एक में, तो वो औपचारिक परिवेश भी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम देता है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बच्चों में डाली जाती हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए, उनकी जो रुचि है क्या कह सकते हैं, उस नई नई रुचि जागृत की जाती है, इंटरेस्ट एरिया डेवलप किया जाता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए जनरल में कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। आगे देखते हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार से है, कार्य क्षेत्र एरिया क्या है, वो किन चीज़ों को डेवलप करने के लिए या क्या चीज़ का विकास करने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम होता है चलाया जाता है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक तैयारी के लिए, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, इंडिविजुअलिटी डेवलप करने के लिए, या कह सकते हैं उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, और सामाजिक तैयारी, समाज में आपको कैसे उठना है बैठना है, सहयोग की भावना डेवलप करनी है, अपना आचरण में कैसे सुधार लाना है, धैर्य और शिष्टाचार, आदर का भाव, ये सब चीज़ें डेवलप कब कैसे की जाती है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, तो बच्चे का व्यक्तिगत तथा सामाजिक तैयारी कराई जाती है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के ज़रिए, शैक्षिक तैयारी की कराई जाती है, शैक्षिक तैयारी मतलब बुक को ढंग से कैसे पकड़ना है, अक्षर और आकार को पहचानना, शब्द भंडार में वृद्धि, चीज़ों को सुनना, या फिर आप कह सकते हैं श्रवण कौशल हो गया, ध्यान को केंद्रित करना, ये सारी चीज़ें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम या फिर कह लो शैक्षिक तैयारी के अंडर आती है, जो कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में कराई जाती है। मनोरंजन, सृजनात्मकता, शाब्दिक तथा अशाब्दिक भाषा कौशल, नृत्य संगीत तथा खेलकूद के माध्यम से बच्चों को तैयार करना। अब बच्चों को मनोरंजक कार्यक्रम के ज़रिए चीज़ें सिखाई जाती है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में, प्लस उनमें सृजनात्मकता क्रिएटिविटी डेवलप की जाती है, उनको पेपर की जो चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे एरोप्लेन हो गया, और भी बहुत सारी पेपर से चीज़ें आकृतियां बनाई जाती है तोड़ मोड़ के, तो वो सारी चीज़ें बनाई दी जाती हैं बच्चों को करने के लिए, या फिर मिट्टी के खिलौने, सब्जियां, फल फूल, डांस हो गया, कविता सुनना या सुनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, सृजनात्मकता है, और इनके ज़रिए बच्चा सीखता है, तो ये सारी
चीज़ें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, उसके क्षेत्र में आती है। अगर आपसे पूछा जाए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का क्षेत्र क्या है, तो व्यक्तिगत तैयारी कराना, सामाजिक तैयारी कराना, शैक्षिक तैयारी कराना, सृजनात्मक तैयारी कराना या सृजनात्मकता का विकास कराना बच्चे में, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।